एस मिलेनियम पब्लिक स्कूल के छात्रों को की 3 माह की फीस करी गई माफ़। देश में घोषित लॉकडाउन ने मजदूर वर्ग के साथ ही व्यवसायी वर्ग के लोगों की भी कमर तोड़ दी है। देश में पैदा हुए संकट काल में बहुत से लोगों ने समस्याओं से जूझने के बाद भी जन समस्याओं के लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया है। गोंडा शहर में स्थित सुवंश मिलेनियम पब्लिक स्कूल के प्रबंध समिति ने एक सराहनीय पहल करते हुए अपने अभिभावकों को बहुत बड़ी सहूलियत दी है। विद्यालय प्रबंधक सूरज सिंह ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की 3 माह की फीस माफ़ कर दी है। इस घटना के संरक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि जनपद में हर परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध है। इस संकट काल में अभिभावकों को पीड़ा व मजबूरियों को समझते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रबंधक सूरज सिंह ने जनपद के सभी विद्यालयों के प्रबंध तंत्र से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में उपजे आर्थिक संकट से सभी लोग अपने अभिभावकों को सहूलियत प्रदान करें। इस संकल्प को लेकर आप अपने अभिभावकों की मदद के साथ ही समाज व देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना महामारी से ग्रसित है। चारों तरफ महामारी का बहुत बुरा असर है, जिसका असर भारत देश पर भी है। गोंडा जनपद के मुख्यालय पर सुवंश मिलेनियम पब्लिक स्कूल CBSE बोर्ड एफिलेटेड स्थित है। 2 दिन पूर्व इस विद्यालय के संरक्षक पूर्व मंत्री माननीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी से खाने के टेबल पर एक वार्ता हुई, जिसमें मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि इस आर्थिक तंगी से गोंडा के मध्यम वर्गीय परिवार जो इस आर्थिक तंगी का दर्द झेल रहे हैं, उनको इस तंगी से उबारने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव आपके सामने रखा है, जिसमें अपने स्कूल की 3 माह की फीस अप्रैल में और जून तीनों माह की फीस की 100% छूट कर दी जाए, माफ़ी कर दी जाए। माननीय मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को सहज स्वीकृति प्रदान की और आदेशित किया कि जल्द से जल्द ये निर्णय ले लिया जाए। इस मुश्किल दौर में अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा। मैं गोंडा जनपद के वासियों को, अपने विद्यालय के अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को, सबको ये खबर सुनाते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि विद्यालय प्रबंधन ने 3 माह की फीस में पूरी तरह से छूट दे दी है। ये छूट आज के दौर में भारत को, हमारे देश को राष्ट्रहित में, देश हित में समर्पित है। आज मैं यह भी आह्वान अपील करता हूँ अपने सभी भाइयों से, प्रबंधन के जो अन्य स्कूलों के प्रबंधन के लोग हैं, उनसे कि आप सब भी ऐसे ही निर्णय लीजिए जिससे कि इस देश का भविष्य उज्जवल हो, हमारे गोंडा के छात्र छात्रा इस मुश्किल दौर में भी पढ़ाई कर सकें और ये पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से देश का गौरव होगा, भारत का गौरव होगा, हमारे देश जनपद का नाम रोशन होगा, हमारे अभिभावक खुश होंगे और उनको कहीं ना कहीं इस मुश्किल दौर में एक सहायता मिलेगी। तो मैं अपील करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।